कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आजकल राजनीति को छोड़कर कुश्ती के अखाड़े में तब्दील हो गई है। पहले कुछ महीनों से छत्तीसगढ़ के विधायक दो गुटों में बंट गए थे। पार्टी के विधायकों ने अब तक जुबानी जंग चला रखी थी, लेकिन अब पार्टी के कार्यकर्ता भी दो गुटों में बंटकर रह गए हैं और हाथापाई तक की नौबत आ गई है। कांग्रेस दफ्तर राजीव भवन में एक बार फिर जमकर मारपीट हुई। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम के सामने ही इस बार कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अमरजीत सिंह चावला और कर्मकार सन्नी निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर लात घूंसे चले और गाली गलौज भी हुई। इस घटना के बाद से कांग्रेस दफ्तर में मौजूद कांग्रेस नेताओं के बीच बचाव करके दोनों नेताओं को शांत करवाया। बताया जा रहा है कि गाड़ी पार्किंग को लेकर पूरा विवाद हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस दफ्तर पहुंचने वाले थे, इसी दौरान गाड़ी हटाने को लेकर दोनों नेता आपस में उलझ गए। वहीं इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी चुटकी ले ली है। घटना के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि विवाद की जानकारी मंगाई गई है, अनुशासनहीनता हुई तो कार्रवाई भी होगी। गौरतलब है कि कल यानी शुक्रवार को NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन रायपुर आए हुए थे। उनके स्वागत के दौरान छात्र नेता भावेश शुक्ला के साथ आए युवक नीरज कुंदन के स्वागत में नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान नारेबाजी करने की होड़ में दूसरे पक्ष से मेहताब हुसैन के साथ बातचीत करते हुए मारपीट शुरू हो गई। फिर क्या था, आपसी तूतू मैमे शुरू हुई और झगड़ा बड़े बवाल में बदल गया। NSUI कार्यकर्ता आपस में ही मारपीट करने लग गए। इससे पहले पिछले रविवार को जशपुर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में जिला अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इफ्तिखार हसन ने कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और सिंहदेव के समर्थक पवन अग्रवाल का माइक छीन लिया। उनके साथ मंच पर धक्का मुक्की और मारपीट की गई। उस समय AICC के सचिव और प्रदेश प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का भी मंच पर मौजूद थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने का एक और मौका मिल गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर हमला करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ का राजीव भवन मारपीट, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज का हॉट स्पॉट बन गया है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बेबस होकर देखते रहे। उनको कांग्रेस में सुनने वाला कोई नहीं है। यही रायपुर में पिछले एक हफ्ते के दौरान मारपीट धक्का मुक्की की तीसरी घटना है। इसकी वजह से पार्टी और प्रदेश सरकार की किरकिरी हो रही है। वहीं कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को खुला पत्र लिखकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी। विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पूरे डेढ़ दशक के बाद सत्ता में कांग्रेस लौटी है। कांग्रेस में राजनीतिक सौहार्द के बदले राजनीतिक प्रतिशोध की भावना बनी है। इससे न केवल विपक्ष अपितु अब कांग्रेस के लोग भी त्रस्त होकर प्रदेश सरकार के कार्यों का मुखर विरोध करने लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस और प्रदेश सरकार में सत्ता के लिए मचे कोहराम ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया है। इसके चलते प्रदेश में जन कल्याण और विकास के सारे काम ठप पड़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।